मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ अप्राकृतिक कृत्य के प्रयास की सनसनीखेज घटना आई है। फरियादी की शिकायत पर ग्रीन वैली स्कूल के मालिक वाईएचपी पेट्रोल पंप के डीलर के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। दरअसल पूरा मामला नैनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग बच्चे ने ग्राम पिंडरई निवासी ग्रीन वैली स्कूल के मालिक वाईएचपी पेट्रोल पंप के डीलर राजकुमार जैन पर अप्राकृतिक कृत्य के प्रयास का आरोप लगाया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर राजकुमार जैन की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी पर एसपी ने 5,000 रूपए का इनाम भी घोषित किया है। जानकारी के अनुसार राजकुमार जैन 25 अगस्त को अपने स्वयं के खेत में मजदूरी कर रहे नाबालिग बच्चे मक्का की फसल लगे खेत में ले गया, जहां उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की गई। किसी तरह नाबालिग बच्चे ने खुद को छुड़ाकर वहां से अपने घर पहुंचा और पूरी घटना परिजनों को बताई है। ये दिनांक 25/8/2024 की घटना है। एक बालक है, उसके साथ पिंडरई के राजकुमार जैन के द्वारा हमला करने की घटना का हमारे पास रिपोर्ट आई थी, जिस पर हमने अपराध 7/8/501 और SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। आरोपी अभी कुछ जो प्रथम कार्रवाई हो रही है, उसके बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी आरोपी उसके पते पर नहीं है, इतना पता कर लिया है तो जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे।